कोविड के पहले व्हेन एवरीथिंग वाज नॉर्मल और शादियों में जब जाने और नाचने में मजा आता था, वी रिमेम्बर कि हम भी डब्बू अंकल की तरह गोविंदा के गानों पर गोविंदा की तरह डांस किया करते थे। एंड टुडे व्हेन वी सॉ गोविंदा विथ हिज थर्ड अटेम्प्ट टू रिक्रिएट आवर चाइल्डहुड, वी सेड हेलो। द सेट, द कॉस्ट्यूम एंड द मैन हिमसेल्फ, एवरीथिंग इन दिस सॉन्ग विल ट्राई टू टेक यू बैक टू द 1990s। ट्राई, ओनली ट्राई। द 90s वाज अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर एंड इट्स बेटर दैट वी लीव इट बी। अब 2022 में 90s के गानों वाले लटके झटके देखने पड़े हैं तो क्या होता है? वही होता है जो इस गाने में होता है। इस म्यूजिक वीडियो में गोविंदा की तरह उनके डांस मूव्स भी थके हुए लग रहे हैं। हिज वॉइस विल मेक यू थिंक कि गोविंदा ने ये गाना नींद में गाया है। एंड लिटरली विद दोस सेट्स एंड दैट कॉस्ट्यूम, इट फील्स लाइक कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट वी हैव टू अगेन से हेलो। Most of us associate our childhood memories with the songs in which Govinda gyrated and did pelvic thrusts, and with him, the entire mohalla danced. But this is 2022. Even Varun Dhawan's dance moves could not make us dance in the remake of Govinda's Kuri No. 1 because this is 2022. ये जो 30 साल का gap है, वही कसूरवार है. But इस गाने के साथ यही problem नहीं है. इस song की problem है ये song खुद. The lyrics, the lady dancing beside Govinda, the dance moves, everything. Why? Why, Chichi, why? We can now only say कि जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है. और अब गोविंदा जी को भी बदलना चाहिए. Well, do let us know if you align with our thoughts and don't forget to subscribe to Shosha for more such videos.